Welcome to Heaven Singh Academy. We are discussing now adage about the light, reflection and refraction of light. This is a topic of class 10th and this is the second video lecture. I hope you have watched already video lecture number 1. Unless you watch part 1, you should not watch part 2. And if you have watched part 1, then you are welcome here in discussion of this. We had discussed what is light in the previous lecture and what are the type of objects. Then we had discussed about the reflection, what is the reflection. And then we discussed about some definitions, basic terms like incident ray, normal, reflected ray, point of incidence, angle of incidence, angle of reflection. ये हमने कुछ discuss किया था last class में. Angle of incidence और angle of reflection फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार recall कर लेते हैं. ये पूरी चीज को समझने के लिए हमारे पास है कि यहाँ पे कोई अगर plain mirror है, ये mirror है. पहले तो समझे ये कि mirror किसे कहते हैं. ये एक incident ray है और ये क्या है, reflected ray. और इसको हमने क्या कहा था, नॉर्मल. इस पॉइंट को कहा था नॉर्मल. तो ये था नॉर्मल, ये था रिफ्लेक्टेड रे रे, और ये क्या था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. और इसको हमने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस. और इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और इस एंगल को डिनोट करते हैं आई से, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, ये समझते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is an angle, it is an angle made by incident ray, incident ray with normal at point of incidence, point of incidence, okay, at point of incidence. Angle of reflection, it is denoted by, usually it is denoted by I, denoted by I, usually it is denoted by I. Angle of reflection, angle of reflection, reflection, ये क्या है, the angle which reflected ray makes with normal, makes with normal at point of incidence, at point of incidence. Okay, it is denoted by R, it is denoted by, denoted by R usually. ठीक है, तो ये दो चीजें. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हमने की थी लास्ट क्लास में, वो हम सीखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या. लॉ ऑफ, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे देयर आर टू लॉज. वन इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे रे एंड द नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, in the same plane. Plane एक ही है, plane नहीं बदल रहा है इनका पूरे का, ये सारा का सारा एक ही plane में है. Incident ray, reflected ray, normal सारे एक ही plane में है. ठीक है, दूसरा है angle of incidence, angle of incidence is equal to angle of, angle of reflection.
that is I is equal to angle R. ठीक है, ये दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें लिखा है कि एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था जो बेसिक रूल है रिफ्लेक्शन का, और रिफ्लेक्शन के चैप्टर में हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे. एक चीज और कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के दूसरी ओर होगा, सिर्फ एक केस होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो. जैसे ये देखिए, ये अगर एक मिरर है और यहां से कोई रे इसे नॉर्मली जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये नॉर्मल भी क्या है, ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में नॉर्मल, ये खुद परपेंडिकुलर है. नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, यानी दोनों एक ही चीज है. तो नॉर्मल के साथ ये कितने का एंगल बना रहा है, जीरो का. नॉर्मल भी वैसा ही है जैसे ये डस्टर है, आप ये समझिए यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट है और ये रे ऑफ लाइट जो है ये पूरा सीधा है ऐसे, और नॉर्मल भी इसी पे है, वो भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जीरो. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगा, मिरर के इस पार तो जा नहीं सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट को रिटर्न बैक किया जाए, लाइट दूसरी तरफ नहीं जाती है तब रिफ्लेक्शन होती है. लाइट का कोई भी पार्ट दूसरी तरफ नहीं जाता हो तब रिफ्लेक्शन होता है, अगर कुछ पार्ट जा रहा है और कुछ पार्ट नहीं जा रहा है तब भी रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है ना, जो लाइट नहीं जा रही है उसके लिए रिफ्लेक्शन होगा, जो जा रही है उनके लिए रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो ये एक बात हमें समझ में आई कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एट एनी सरफेस इट रिटर्न बैक इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, रिटर्न बैक इन अपोजिट डायरेक्शन. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा. अब सीखते हैं कि मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर. मिरर किसे कहेंगे, किसी भी चीज को मिरर कह सकते हैं. आम बोलचाल की भाषा में हम मिरर उसको कहते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देख सके, लेकिन मिरर का मतलब ये नहीं है. फिजिक्स की लैंग्वेज में मिरर का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो. वो स्टील की थाली भी हो सकती है, वो आपका अपना चश्मा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोटेड चीज. तो रिटर्न करने के लिए, लाइट को रिटर्न करने के लिए उसके एक सरफेस को ऑलमोस्ट कोट होना जरूरी है या किसी तरह से डार्कन होना जरूरी है. तो मिरर इज ए सरफेस व्हिच वन साइड मिरर इज एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच वन फेस इज सिल्वराइज्ड का मतलब हुआ दैट इज कोटेड. सिल्वराइज्ड मतलब आप देखे होंगे स्टूडियो में जाते हैं एक छतरी होती है जिससे लाइट देता है, तो छतरी के पीछे क्या होता है, एक बहुत चमकीला सा चीज होता है जो सिल्वर पॉलिश होती है, इसलिए सिल्वराइज्ड करते हैं. और सिल्वर इसलिए ताकि रिफ्लेक्टिंग, बहुत बड़ा बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर, इसलिए सिल्वराइज्ड जो छाता उनका छतरी होता है उसके अंदर देखो बहुत चमकीला सा पॉलिश रहता है, उसको सिल्वराइज्ड कहते हैं ताकि लाइट को बेहतर रिफ्लेक्ट कर सके. तो सिल्वर जो होता है वो बढ़िया रिफ्लेक्टर है, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर है, इसलिए उसको अंदर से सिल्वराइज्ड कर दिया जाता है. बाहर में लाल पीला काला छतरी का कोई भी रंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मिरर के अंदर भी यही हम करते हैं. बढ़िया मिरर अगर आप खरीदोगे तो उसके अंदर पहले सिल्वराइज सिल्वर की पॉलिश होगी दूसरी सतह पे, और उसके बाद वो लाल या हरे या पीले या काले जो भी रंग है उससे वो रंगा हुआ होगा. तो बढ़िया मिरर के इसलिए सिल्वराइज कहते हैं, सिल्वराइज्ड. ठीक है, एक तरफ सिल्वराइज होता है, कोटेड होता है, प्रिंटेड होता है. क्यों होता है, क्योंकि
क्योंकि ऐसा होने से लाइट को रिफ्लेक्ट करने में उसे सहूलियत होती है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर कुछ भी हो सकता है, ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मिरर। अब हमें सीखना ये है कि तो इमेज कैसे बनता है और इमेज का क्या मतलब है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, अभी हम सीख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये हमें अब सीखना है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। इमेज बनने के लिए जरूरी क्या है कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाए, मिरर से टकराए और टकरा कर वापस जहां पर मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर मिलेगा वहां पर इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे मिलना जरूरी है। अगर हम यहां पे ले, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, और मिरर है और यहां पे हमने एक मिरर पे ये कोई सरफेस है, टेबल वगैरह मान लीजिए, ठीक है, ये टेबल है हमारा, इस पे हमने एक मिरर रख दिया है, ठीक है, ये ओपेक बॉडी, ये कैंडल रख दिया हमने, कैंडल यहां से जो लाइट जाएगा वो मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली कि नहीं, नॉर्मली हो रहा है ना, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए इसी रास्ते से ये वापस आ जाएगा। जिस रास्ते से गए बैरंग वापस आ गए, जैसे आप किसी से मिलने जाते हो, सिर्फ मिलना ही आपका मकसद है, और गए उसके कमरे में, देखा दरवाजा बंद है, ताला बंद है, फिर जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से वापस आ जाते हो, क्योंकि दरवाजे में ताला बंद है, आप अंदर जा नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि सिल्वर आई है, इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जाए इधर से तो क्या होगा, ये इधर की ओर वापस आ जाएगा, क्यों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल हुआ इसके लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, हालांकि ये टेबल है तो इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, बट इसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा और लगेगा कि ये इधर की ओर आ रहा है। अगर मान लीजिए कि इस हमने कुछ ऐसा रखा जिस तरह से देख भी सकते हो, टेबल ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट हो, हम उसके नीचे घुस के देख भी सकते हो, शीशा हो और उसके अंदर हम देख भी सकते हो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये लाइट इधर से ऐसे गया और इधर से ऐसे वापस आ गया। अब आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी आप सोचोगे कि इधर ही क्यों जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इधर क्यों नहीं जाएगा, जाओ भाई हमारे घर से क्या जा रहा है, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हुआ, यहाँ के लिए नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ये नॉर्मल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये लाइट भी क्या होगा, तो लगेगा कि ये वाला लाइट अगर इधर से कोई देखे तो लगेगा कि ये वाला लाइट इधर की ओर जा रहा है, ये वाला लाइट भी इधर की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये वाला लाइट भी इधर की ओर जा रहा है, और तीनों ही लाइट यहां पर मिल रहा है और इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये बन रहा है कैसा, ए डैश बी डैश, कैसा बनेगा, जैसा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये लग रहा है कि मिल रहे हैं, ये भी लग रहा है कि मिल रहा है, क्योंकि रे उधर तो जा ही नहीं रहा, लेकिन वास्तव में रे उधर जा नहीं रही क्योंकि इधर सिल्वर आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी रे जो है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है, वो एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए यहाँ पर इमेज एक बन रहा है। कैसे इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट के बराबर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, कितना दूरी पे, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे इमेज। तो इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल, जो वास्तव में लाइनें नहीं मिलती है, रिफ्लेक्टेड रे अगर रियली में मिलती तो उसको हम रियल इमेज कहते, चूंकि ये रियल में नहीं मिल रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज बनता है, और कैसा बनता है, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, आप जितने बड़े हो, आपका नाम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आईने में दिखाई देता है, तो सेम साइज का बनता है। और तीसरा कहां बनता है, तो सेम डिस्टेंस,
from mirror, same distance from mirror. जितना मिरर के आप आगे खड़े होंगे उतना ही पीछे आपका इमेज बनेगा. मिरर सेम साइज सेम डिस्टेंस वर्चुअल और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा. इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा होना है, सीधा होना है. जैसा मैं खड़े हैं वैसे ही बनता है. लेकिन एक चीज जो यहाँ होता है वो आपको ध्यान देने वाली बात है. इरेक्ट बट लैटरली इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब लैटरली इनवर्टेड. जो बाईं तरफ होगा वो आपको दाईं तरफ दिखेगा. कभी ध्यान से गौर से आपने आईने में देखा है, आपके गाल पे अगर कोई तिल बाईं तरफ है तो वो मिरर में देखने पर दाईं तरफ दिखेगा. कोई कट वट गया है, कट का मार्क अगर आपके बाईं तरफ है गाल पे तो दाईं तरफ दिखेगा. लैटरल इनवर्टेड इन्वर्जन होता है तो लैटरली इनवर्टेड इमेज बनेगा. कैसे, आप देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. ये है एल, ये मिरर है, ठीक है. तो मिरर में एल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. ये है के, मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा. ये वर्टिकल लाइन तो नहीं होगा लेकिन लैटरल लाइन इनवर्टेड दिखेगा. ये है पी, दिखेगा मिरर में ऐसे पी. ये है बी, मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा बी. वर्टिकल लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, लैटरल लाइन जो होगा, जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखेगा. घड़ी में अगर ये घड़ी है, यहाँ 12, ये 3, ये 9, ये 6 है, ऐसा कुछ, और ये 4, 5, 7, 8 ऐसा है. मान लो कि ये घंटा की सुई कहाँ पे, मिनट की सुई इधर है और घंटा की सुई है 4:30 पे, 4 और 5 के बीच में, ठीक है. तो अगर मिरर में ये देखोगे तो पता है कैसा दिखाई देगा, ये 12 तो अपनी जगह पे है, 3 और ये सब 4 और ये 5 और ये 6, मिनट की सुई अपनी जगह पे दिखाई देगा लेकिन घंटा की सुई जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखाई देगा, यानी लैटरल इन्वर्जन होगा. तो बज रहा होगा 4:30, दिखाई देगा 7:30. 7:30 बज रहा होगा, आईने में देखोगे 4:30 दिखाई देगा. आप ऐसा कर सकते हो, घर पे जाकर के दीवार घड़ी आपके घर के सामने होगा, उसके सामने ड्रेसिंग टेबल का कोई मिरर रख देना या कोई मिरर रखना, अगर उसमें 4:30 हो रहा होगा तो आपके मिरर में 7:30 दिखाई देगा, अगर 7:30 हो रहा होगा तो 4:30 दिखाई देगा, ठीक है. एक चीज और, अगर कोई लड़की है, सुंदर सी लड़की, ठीक है, तो उसका ड्रेसिंग टेबल, लड़कियों को ड्रेसिंग टेबल बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम जो है वो सजने संवरने में जाता है, तो ड्रेसिंग टेबल की बड़ी फैन होती है और उनका ड्रेसिंग टेबल चाहिए. शादी में ड्रेसिंग टेबल की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, लोग देते भी हैं और अपनी लड़की को विदा करते समय, खास करके ऐसा बिहार यूपी में होता होता है हर हालत में. तो ड्रेसिंग टेबल, अगर कोई लड़की 6 फीट की है तो उसका ड्रेसिंग टेबल कितने फीट का होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल कितने फीट का होना चाहिए. लड़की 6 फीट की है और उसका ड्रेसिंग टेबल कितने फीट का होना चाहिए. यहाँ तक ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये विजिबल नहीं है, ये अलमारी वगैरह बनी हुई है कुछ और यहाँ के ऊपर ये ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है. लड़की यहाँ पे खड़ी है, पूरी पूरी लड़की खड़ी है, लड़की आधी तो खड़ी हो नहीं सकती, तो पूरी खड़ी है, ठीक है जी. और ये है मिरर, ड्रेसिंग टेबल में इतना दूर का मिरर है. ये आधी, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो क्या होगा, ये उसके पैर है, यहाँ पे उसका लड़की का पैर है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है तो ये क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये ऐसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर की ओर, तो रिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर रिफ्लेक्शन होकर जाएगा, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा. इसी तरह से यहां से जो रे ऑफ लाइट उसके चेहरे से आ रहा होगा वो इधर की ओर आएगा और इधर की ओर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यानी दोनों ही स्थिति में, और जो सीधे सीधे लाइट जाएगी उसके चेहरे से, ठीक है, ये वो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा. लेकिन आपको देखने पे लगेगा कि लड़की का ये जो इमेज लाइट इधर से टकरा के उसके चेहरे से सीधा वापस जा रहा है, वो लगेगा कि पीछे भी जा रहा है, और यहाँ से ये वाली लाइट भी लगेगा कि पीछे की ओर जा रहा है, और ये वाली लाइट भी लगेगा कि पीछे की ओर जा रहा है, और इस तरह से ये पूरी
ऑफ लाइट इधर से आएगा वो इधर की ओर चला जाएगा, जो इधर से आएगा वो इधर की ओर चला जाएगा, जो सीधी लाइन जाएगी वो मिरर से टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन लगेगा कि वो यहाँ पे आके मिल रही है। तो ये जो गर्ल है ब्यूटी बी सी, और यहाँ पे बी डैश सी डैश उसका इमेज बन जाएगा। यानी लड़की अगर 6 फीट की है, ये उसका बना देता हूँ शकल, ठीक है, मुझे डायग्राम इतनी अच्छी तो आती नहीं, लेकिन तो यहाँ पे उसकी शकल ऐसी दिखाई देगी, ये लड़की दिखाई देगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी ये इसका बाकी जो मान लेते हैं फीचर है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी फीचर इधर दिखाई देगी। तो लड़की 6 फीट की होगी तो उसका ड्रेसिंग टेबल कितने फीट का होगा? 3 फीट का होगा, ठीक है। तो आइंदे से इस बात का ध्यान रखें, जब आपकी शादी वादी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई लड़की जो है उसकी ड्रेसिंग टेबल कितने फीट की होनी चाहिए, जितनी उसकी हाइट है उसकी आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम और बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बातें होंगी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।